बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं, उसकी पहली दो एक्सरसाइजेज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 9.3 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की डिफरेंशिएशन को डिस्कस करते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसके अंदर x वाली रकमें भी हैं, y वाली रकमें भी हैं, इज सेट टू बी होमोजीनियस होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ x की जगह पे लैम्डा x, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, लैम्डा पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं, x की जगह पे लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, और अगर लैम्डा की कोई पावर बाहर निकल आए कॉमन, बस हम फर्ज किया कि लैम्डा की पावर n बाहर कॉमन निकल आई है, अंदर फिर दोबारा वही फंक्शन आ गया है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया मेरे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई। मैं देखना चाहता हूं कि ये होमोजीनियस फंक्शन अगर है तो इसकी डिग्री क्या है। पहचान इसकी ये होती है कि देखिए इसकी पावर 3 है ना, यहां पे इसकी पावर 2 है और वाई की पावर 1, टोटल कितनी हो गई 3। यहां पे ऊपर तमाम की वैल्यू सेम है, नीचे इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। तो आइए अब हम इसको डेफिनेशन की मदद से चेक करते हैं। पुट एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट कर दिया मैंने, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट किया, देखें क्या बन गया ये फंक्शन एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और वाई की जगह पे क्या आएगा, वाई की जगह पे आएगा लैम्डा वाई, वाई क्यूब की जगह पे क्या आएगा लैम्डा वाई का क्यूब, तो वो लैम्डा क्यूब y क्यूब बनेगा डिवाइडेड बाई x की जगह पे आ गया लैम्डा x, y की जगह पे आ गया लैम्डा y, राइट। अब f ऑफ x लैम्डा x इंटू लैम्डा y किसको इक्वल आ गया, इसको लिखा जा सकता है लैम्डा क्यूब x क्यूब, ये लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा मिलके बन गया लैम्डा क्यूब, और साथ आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस लैम्डा क्यूब इंटू वाई ओवर, नीचे से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस वाई आ गया। ऊपर आपसे क्या, ऊपर क्या कॉमन नजर आ रहा है, लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब को मैंने ऊपर से कॉमन निकाला,
ब्रैकेट के अंदर आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसकी पावर 3 है और इसकी 1, तो जब ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो लैम्डा की कितनी पावर बचेगी 2, और ये क्या आ जाएगा फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स प्लस वाई। अब ये देखें ये चीज किसके बराबर है जिसके ऊपर मैंने गोल दायरा लगाया है, ये वाली चीज तो इसके बराबर है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर है लैम्डा एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहां पे देखें लैम्डा की पावर कितनी बाहर निकली, 2 पावर निकली ना, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी तरफ चलेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस की पहचान सबसे ज्यादा आसान है। अब यहां पे देखें गौर से, एक्स की डिग्री क्या है 1, इधर एक्स की डिग्री क्या, वाई की डिग्री क्या है 1 1 1, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व सबकी डिग्री सेम है। अगर सबकी डिग्री सेम हो तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको हल करने का तरीका, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा ना उधर जाके ये माइनस बन जाएगी, x माइनस वाई इंटू डी एक्स, और dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अंदर जरब ना दे दूं मैं, ये बन जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा ओवर एक्स प्लस वाई। तो ये देखें ये परफेक्ट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो लैम्डा ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। पहचान वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं ये देखें 1 डिग्री 1 1 1, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन को हल करने का तरीका क्या है, हम पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। जब भी आपको पता चले कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो y की जगह पे वी एक्स पुट कर दें। अब आपने फंक्शन चेंज किया है y की जगह पे वी एक्स, तो फिर dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये v एज इट इज, x को डिफ्रेंशिएट किया 1 प्लस x एज इट इज, v को डिफ्रेंशिएट किया डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और ये वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसका नाम नंबर 2 रख दो, इसका नाम नंबर 3 रख दो, तो इन दोनों को उठाकर 1 के अंदर पुट कर दें, पुट 2 3 इन 1। अब देखें dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वाई की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा वी एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वी एक्स। अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये सेपरेबल वेरिएबल वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी जो आपने पिछली एक्सरसाइज की है ये उस एक्सरसाइज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू वी प्लस,
एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से देखें आपको क्या कॉमन नजर आता है, एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया वी माइनस वन ओवर एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया वी प्लस वन, एक्स एक्स के साथ कैंसल, एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन ओवर वी प्लस वन। अब ये जो v आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है इसको भी उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाएं, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन ओवर वी प्लस वन, में से v माइनस कर दिया मैंने, ले जिसका एलसीएम तो ये आ गया v प्लस वन, वी माइनस वन ये v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, v माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी ओवर वन प्लस वी, ये v v से कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर आ गया माइनस वन माइनस वी स्क्वायर ओवर वन प्लस वी, नाउ यू कैन सी दैट माइनस इज कॉमन इन द न्यूमिरेटर, यू विल हैव वन प्लस वी स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर वन प्लस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये सेपरेबल वेरिएबल वाली फॉर्म बन गई है, इसमें वी वाली रकमें आप एक तरफ और एक्स वाली रकमें आप एक तरफ कर सकते हैं। तो इतना प्रोसेस करने के बाद ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म बनी है, और सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म को कैसे हल करते हैं ये तो माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। राइट डाउन दिस सेंटेंस, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को लहदा लहदा करेंगे तो ऊपर आएगा वन प्लस वी और नीचे आएगा वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, ये एक्स इधर मूव करेगा तो माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा वन प्लस वी ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दो पोर्शन है वन प्लस वी, तो ये इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी आएगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू टू टोटास, वन प्लस वी स्क्वेयर अलहदा, वी ओवर वन प्लस वी स्क्वेयर अलहदा, दोनों को मैंने अलहदा अलहदा कर दिया। ठीक 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 माइनस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब वन प्लस वी स्क्वायर का तो फार्मूला हमारे पास है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी आएगा इसकी जगह पे, यहां पे डीवी कर दिया, लेकिन ये वी स्क्वायर है, नीचे डिग्री कम है ऊपर ज्यादा है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, दो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो, क्यूब कहां से आया भाई, वी स्क्वायर आएगा डीवी। अब हमारे पास परफेक्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है कि हम इंटीग्रेशन के फार्मूले लगा सके, यहां पे वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर का फार्मूला क्या है,
टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको इसका फार्मूला नहीं आता। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद तो नीचे वाले का लॉग, 1/2 लॉग ऑफ 1+v2। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आता। -1/x का लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये देखें जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें y किसके बराबर था, vx के बराबर। तो v की कीमत निकालें जी आप, फ्रॉम 2 v इज इक्वल टू y/x। v की जगह पे y/x इसके अंदर पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, वही आपका आंसर होगा, टेंजेंट इनवर्स y/x, 1/2 log of 1+y²/x², y²/x², इज इक्वल टू -log(x+c) वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और करना चाहें तो टेंजेंट इनवर्स y/x+1/2 log(x²+y²)/x², x² इज इक्वल टू, बल्कि इसको भी इधर ही ले आए, प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। देखें जरा, आप ऐसा करें कि dy वाली रकम को एक तरफ कर लें और बाकी रकमों को चूक कर आप दूसरी साइड पे ले जाएं, y²+2xy। xy dx, सो dy/dx विल बी इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू -y²+2xy/x²। अब इसमें देखें जरा, y की पावर क्या है, 2, इधर x की पावर 1 और y की पावर 1, तो टोटल कितनी हो गई, 2, और नीचे x की क्या है, 2, सबकी डिग्री सेम है, इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो फिर क्या करेंगे हम, y की जगह पे vx पुट करेंगे, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से हम dy/dx की कीमत निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, प्लस x इंटू dv/dx, इन दोनों को उठाकर 1 में पुट कर दें, पुट 2, 3 इन नंबर 1, व्हाट यू विल गेट, dy/dx की जगह पे आ गया, इसकी जगह पे देखें ये dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या है, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू माइनस y की जगह पे क्या आएगा, vx, तो ये बनेगा v²x² + 2x इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा, vx/x². राइट।
अगले स्टेप में देखिए जरा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, चलें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें ऊपर से, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया वी स्क्वायर प्लस टू वी ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, दोनों कट गए आपस में और आपके पास आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस टू वी, और ये वाला जो v है इस v को उठाकर जब मैं राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस वी। ब्रैकेट्स खोलें जरा, मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वी, तो ये आ गया माइनस वी स्क्वायर माइनस थ्री वी। तो माइनस v कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया वी स्क्वायर वी प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम ऐसा करते हैं, वेरिएबल्स को अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग किया तो ये आ गया वन ओवर वी इंटू वी प्लस थ्री डी वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो वन ओवर वी इंटू वी प्लस थ्री डी वी विल बी इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स, राइट। अब इसका नाम हम रख देते हैं, वन टू थ्री रखे हुए पहले नंबर फोर। अब हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत है, वन ओवर वी इंटू वी प्लस थ्री की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओवर वी प्लस बी ओवर वी प्लस थ्री। नंबर फाइव रखते हैं इसका नाम, मल्टीप्लाई बाई वी इंटू वी प्लस थ्री तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वी प्लस थ्री प्लस बी वी, ठीक। नंबर सिक्स नाम रख दिया इसका। अब क्या तरीका है, पहले आप v की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो, तो ये आ जाएगा a इंटू जीरो प्लस थ्री प्लस b इंटू जीरो, तो वन इज इक्वल टू थ्री ए, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वन बाई थ्री। उसके बाद b की वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे आप v इज इक्वल टू माइनस थ्री इन नंबर सिक्स, तो वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री प्लस b इंटू माइनस थ्री, तो वन ये तो जीरो हो गया माइनस थ्री बी, तो वन इज इक्वल टू माइनस थ्री बी, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस वन ओवर थ्री के बराबर। अब ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं, पुट a b इन नंबर फाइव, तो पार्शियल फ्रैक्शन किसके बराबर आ गई आपकी, वन ओवर v इंटू वी प्लस थ्री, a की जगह पे आया था वन बाई थ्री इंटू वी
बी की जगह पे आ गया माइनस वन ओवर थ्री इंटू वी प्लस थ्री। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर इक्वेशन नंबर फोर के अंदर पुट करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब थ्री इक्वेशन क्या, फोर क्या बनेगी, देयर फोर फोर बिकम्स इसकी जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन वन ओवर थ्री वी माइनस वन ओवर थ्री इंटू वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करने के लिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसको लिखा जा सकता है वन बाई थ्री इंटू वन ओवर वी डी वी माइनस वन बाई थ्री वन ओवर वी प्लस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, ओ इंटेग्रल लॉग ऑफ वी माइनस इसका इंटेग्रल लॉग ऑफ वी प्लस वन इसका इंटेग्रल लॉग ऑफ एक्स। सारे लॉग लॉग में आ रहे हैं, चलें हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लेते हैं, लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ सी भी ले सकते हैं आप। अब यहां से वन बाई थ्री जो है आप ऐसा करें कि इसको लॉग ऑफ वी की पावर वन बाई थ्री बना लो माइनस लॉग ऑफ वी प्लस वन की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू लॉग ऑफ इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे ये माइनस का है ये प्लस का तो सी ओवर एक्स आ जाएगा। इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो वी ओवर वी प्लस वन होल की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू सी ओवर एक्स। अब ये भी लॉग के बराबर है ये भी लॉग के बराबर है तो दोनों को इक्वेट करेंगे, ये नहीं कहना कि लॉग लॉग से कट गया, ये लॉग लॉग एक्स अगर लॉग वाई के बराबर हो तो एक्स और वाई आपस में बराबर होते हैं तो वी ओवर वी प्लस वन विल बी इक्वल टू सी ओवर एक्स होल की पावर वन बाई थ्री। पुट कर दें आप वी इज इक्वल टू y ओवर x तो ये बनेगा y ओवर x ओवर y ओवर x प्लस वन होल की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू सी ओवर x। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y ओवर x डिनोमिनेटर में आ गया y प्लस x ओवर x होल की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू सी ओवर एक्स। ये एक्स एक्स के साथ कैंसल वाई ओवर एक्स प्लस वाई की पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू सी एक्स। टेकिंग क्यूब बोथ साइड पावर थ्री तो थ्री लेंगे ना तो थ्री और वन बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा वाई ओवर एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा सी क्यूब ओवर एक्स क्यूब। इसको चूक कर उधर ले जाएं तो एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फर्ज कर लिया कि सी क्यूब का नाम कोई कांस्टेंट रख लेते हैं हम ए, ठीक है तो ए रख लें या सी वन रख लें या सी डैश रख लें कुछ भी। तो ये जो है ये आपका आंसर है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ये जो मैंने स्टेप किए हैं। अब यहां पे देखा जब आपने आपने इंटीग्रेट कर दिया तो यहां पे भी डायरेक्ट y ओवर x लगा के तो सवाल को आप वाइंड अप कर सकते थे, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे करना चाहें तो भी ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि इसका जवाब जो है वो वेरी करे, डिपेंड करता है कि आप डिफ्रेंसिएशन वो जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसके बाद आप स्टेप किस किस्म के करते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किस किस्म का लेते हैं, जिस तरह का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे उसके मुताबिक आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस देखना है, इसका मेथड क्या है, और
आज हमने होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन किया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आने वाले लेक्चर में हम जो है क्वेश्चंस को ज़रा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।